असंख्यम आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 to 9 कर चुके हैं। होप्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारा है प्रॉब्लम नंबर 10। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100 का मतलब ये है कि 1 से आपने 100 तक फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम। अच्छा, आप ये स्टेटमेंट पे फोकस करें, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100। हमने नंबर नहीं, उन्होंने कहा क्या सीक्वेंस नहीं कहा कि आपने 1 से लेके 100 तक, 1 आपने 2, 4, 6 अप टू 100 तक फाइंड करना है। ये सीक्वेंस नहीं उन्होंने प्रिंट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि आप इवन नंबर्स का सम प्रिंट करें, मतलब एडअप करें, 2, 4 प्लस करें, फिर इसे 6 में प्लस करें, फिर 8, इस तरह करके आप सम फाइंड करें। ठीक है, अच्छा आप देखो, सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोग पहले फोकस करते हैं कि हम लोग क्या किस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखें, इवन नंबर 2 होते हैं हमें, और 2 से 100 तक होते हैं। हमें एक रेंज समझ आ गई कि 2 से 100 तक हमने जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो हमने किया उनसे, थोड़ा बाकी प्रॉब्लम से अब थोड़ा डिफरेंट है, तो ज़रा इस पर ना फोकस करना है आप लोगों ने, समझना है। अब देखो, उन्होंने सीक्वेंस नहीं कहा कि आपने 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे प्रिंट करना है। उन्होंने कहा इसका सम प्रिंट करना है, सम ऑफ इवन नंबर्स अप टू 100। जो सम करना है मतलब हमें हर नंबर को आपस में एडअप करते जाना है। ठीक है, साथ साथ आउटपुट शो नहीं करवानी, एक ही दफ़ा हम लोग एक आउटपुट शो करवाएंगे। प्रीवियस हमने, आपको याद होगा प्रोग्राम में हमने क्या किया था, पहले हम आउटपुट करते थे, फिर इंक्रीमेंट करते थे, फिर कंडीशन चेक होती थी। ठीक है, साथ साथ आउटपुट जा रहा था, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें ओवरऑल आउटपुट हम शो करेंगे, सम शो करेंगे। ठीक है, 2 से 10 तक हम सम करेंगे, फिर सम को एक ही बार स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे। अब देखें, इवन में क्या होता है, 2 का डिफरेंस आ रहा है हर किसी में, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें पता चल गया कि 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। इनिशियलाइज़ हम किससे करेंगे, वेरिएबल को 2 से, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, हम सम कर लेंगे। फिर 2 में 4 में 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 को जो प्रीवियस इन दोनों की एडअप करके 6 आया था, 6+6 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग करते जाएंगे, 2-2 ऐड करते जाएंगे, और जो प्रीवियस एक वैल्यू हमने सम किया होगा कैलकुलेट उसमें ऐडअप करते जाएंगे। ठीक है, अब 200 चाहिए, मतलब जो भी हम वेरिएबल लेंगे, लाइक हम लोग आज n ले लेते हैं, वो लेस देन इक्वल टू 100 होगा, इक्वल टू 100। ठीक है, 100 के इक्वल तक हमें जाना है। ठीक है, चलें देखते हैं इसे किस तरह हो सकते हैं, रफली ज़रा देखते हैं पहले। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो हम कोई ना कोई n ले लिया हमने। ठीक है, उसे 2 से इनिशियलाइज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 तो ऑड नंबर होता है, इवन नंबर 2 होता है, मतलब 2 से हम लोग इनिशियलाइज़ कर दिया। 2 से हम लोग जब इनिशियलाइज़ कर देंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा हम वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे, इसका सम स्टोर करेंगे, वो हम एस यू ले लेते हैं। ठीक है, या हम लोग m ले लेते हैं, स्मॉल में मैंने लिया। ठीक है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, स्मॉल में हमने लिए सम ले लिया। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्ट, हमने एक प्रोग्राम किया था एक्सपोनेंट वाला, उसमें जब हम रिजल्ट शो करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि उससे आपने इनिशियलाइज़ करवाना है। उसमें तो हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, मतलब उससे मल्टीप्लाई हो रहा था उस नंबर से, लेकिन जब ऐड होते हैं, ये बात आप माइंड में रखिएगा, जब भी चीज़ जो हमने वेरिएबल लिया होता है उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही होती है तो हम उसे इनिशियलाइज़ 0 से करवाते हैं, लेकिन जब उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, हम प्रोडक्ट वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसे 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं। क्योंकि आप देखिए, 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वही नंबर आ जाता है, लेकिन सम में जो चीज़ ऐडअप होती है वही नंबर आ जाता है, इसमें ऐड करना पड़ता है, उसमें मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, हमने ले लिया, आगे हमने n ले लिया, n ये हमने इनिशियलाइज़ करवा दिया। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप बन गया कि इनिशियलाइज़ करवा दिया। सेकंड में हम अब क्या करेंगे, आप सम के अंदर सम प्लस n, अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, सम के अंदर 0 है, 0 प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर, आप देखें ये ज़रा आउटपुट किया हम लोग यहाँ पे, 0 प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब सम के अंदर यहाँ पे 2 मूव कर जाएगा, हमारे पास जो सम के अंदर होगा वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है, अब सम के अंदर 2 है, अब कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो n है वो लेस देन इक्वल टू 100 है या नहीं। ठीक है, इससे पहले हम n में इंक्रीमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे n की वैल्यू 4 है, 4 तो लेस देन इक्वल टू है, मतलब कंडीशन ट्रू है, हम लोग यहाँ पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जब मूव करेंगे, ठीक है, अब देखें 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, यहाँ पे अब 4 आ गया, आप n की वैल्यू हमारे पास करके n के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू पहले 2 थी, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 4। ठीक है, उसमें 2 का इंक्रीमेंट किया,
फोर हमारे पास लेस देन इक्वल टू 100 है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ सम पे मूव करके, सम के अंदर आपको पता है पहले से 2 रखा है, एन के अंदर 4 आ गया है, मतलब सम प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, सम के अंदर 2 रखे है ना हमारे पास, और एन में इंक्रीमेंट किया था, तो 4 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 6 कैसे हुआ, क्योंकि पहले वाला सम की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई और ये एन की वैल्यू है, ठीक है, 6 हो गया, सम की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गई, ठीक है। अब इंक्रीमेंट होगा एन की वैल्यू, अब हमारे पास क्या है, 6, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू हमारे पास अब क्या पड़ी है, अब हमारे पास 6 है, सॉरी, ठीक है, 6 है, 6 प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 प्लस 6 12, ठीक है, 12 में अब एन में की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का इंक्रीमेंट होगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। तो क्या होगा, अब सम में यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सम में हमारे पास 8 रखा है, ठीक है, सॉरी 12 रखा है, ठीक है। इस तरह हम करते जाएंगे और ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, जब लास्ट में हम 100 पे आएंगे तो 100 लेस देन इक्वल टू, लेकिन जब 102 हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा। चलें अब हम लोग सबसे पहले प्लानिंग सॉल्यूशन को प्लान करते हैं कि किस तरह करेंगे। अब हमें समझ आ गई कि कोई ना कोई अपने वेरिएबल लेके, इसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, इसे इनिशियलाइज करना है, फिर उसे सम करना है, फिर हमने इंक्रीमेंट करना है, और फिर हम लोगों ने कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट भी करेंगे, ठीक है, लास्ट पे करेंगे, ये कंडीशन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लूप चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आउटपुट शो होगी तो हम सम आउटपुट कर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग द सॉल्यूशन हम करते हैं, प्लानिंग द सॉल्यूशन इनपुट आउटपुट, इनपुट में आप क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग लिखेंगे इनिशियलाइज करना है हमने 2 से, ठीक है, रिक्वायर्ड हमें आउटपुट क्या चाहिए, हम करें सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100, ठीक है, हमारे पास वो रिक्वायर्ड आउटपुट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी आउटपुट, ठीक है, हमें आउटपुट क्या, सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100। इसमें प्रोसेसिंग क्या रिक्वायर्ड होगी, प्रोसेसिंग हमें रिक्वायर्ड होगी कि हमने, आप इस तरह ही करेंगे कि हम ऐडअप कर रहे हैं, सम हम लेके उसमें ऐडअप करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को, 2 से इनिशियलाइज के उसमें ऐडअप करते जाएंगे और हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखें, अब हम एल्गोरिथम लिखते हैं कि एल्गोरिथम इसका कैसे होगा, एल्गोरिथम वही स्टेप्स हम लोग लिखेंगे। स्टेप वन हमारे पास क्या होगा, स्टेप वन होगा हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट में आप इनिशियलाइज कर लो, कोई इशू नहीं, अगर सेपरेट करना चाहते हो तब भी कोई इशू नहीं है। स्टेप टू के अंदर क्या होगा, आप इनिशियलाइज करोगे इसे, इनिशियलाइज एन ले रहे हैं, ठीक है, एन में वेरिएबल 2, एन को इनिशियलाइज करें 2 से, ठीक है, और यहाँ पे एंड सम स्मॉल में, ठीक है, स्मॉल 2, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो या आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो आपकी मर्जी होती है, लेकिन आप स्टेटमेंट के बाद मेंशन करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सम को हम 0 से कर रहे हैं, ठीक है, सम को हम 0 से कर रहे हैं, मतलब n इक्वल टू 2 एंड सम स्मॉल इक्वल टू 0, ठीक है, स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 देखते हैं, स्टेप 3 कैसे करेंगे, स्टेप 3 में हमने क्या किया, हमने उसे ऐड किया था, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट किया था फोर्थ स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप लिखो, आप लिख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस n, ठीक है, हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद आप देखो स्टेप 4 के अंदर हम लोग इसमें n इक्वल टू, आप यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इंक्रीमेंट करना है आपने, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑफ 2, ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करें हम 2 का, n इक्वल टू n प्लस 2, ठीक है, n प्लस 2 हो गया हमारे पास। अब देखें इसके बाद n प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो गया। अब हम स्टेप 5 में क्या करेंगे, कंडीशन भी तो चेक करनी है ना इंक्रीमेंट के बाद, चेक करेंगे, चेक दी कंडीशन या आप लिमिट भी कह सकते हो। इफ़, अब यहाँ पे आपने फोकस करना है, इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 100, देन अगर ऐसा है कि लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है, ठीक है, लाइक कंडीशन में येस आ जाता है, ठीक है, देन गो टू स्टेप, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम लोग सम पे मूव कर जाएंगे, ठीक है, कंडीशन स्टेप 3। अदरवाइज हमने क्या करना है, अदरवाइज गो टू स्टेप, अब यहाँ पे वो स्टेप आएगा स्टॉप का, अगर यहाँ पे 102 हो जाता है तो वो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तब उसे क्या होना है, उसे स्टॉप नहीं होना, ठीक है, उसे स्टॉप नहीं होगा, वो आउटपुट शो करवा के तब स्टॉप होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 6, स्टेप 6
स्टेप सिक्स में क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट हम लोग क्या करेंगे, सम, ठीक है, आउटपुट सम हो जाएगा, आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा, सम जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये कहाँ मूव कर जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज का मतलब होता है नो, अब 102 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये स्टेप कहाँ पे मूव कर जाएगा, स्टेप सिक्स पे, क्या आउटपुट शो करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद स्टॉप आप लिखना चाहें यहाँ पे, यहाँ पे मैं लाइन पे लिख देती हूँ, स्टेप सेवन में हमारे पास आ जाएगा स्टॉप, सिंपली हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं वो किस तरह बनेगा। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट, स्टार्ट लेंगे हम लोग, स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद, स्टार्ट के बाद हमने इनिशियलाइज़ किया था उसे, मतलब हमने उस पर एक प्रोसेस अप्लाई किया था, इनिशियलाइज़ किया था, हमने किसे किया था इनिशियलाइज, हमने सम को किया था, सम इक्वल टू ज़ीरो, और हमने एन को किया था, सॉरी टू से इनिशियलाइज़ किया था। आप अगर बुक वाले वेरिएबल लिखते हो तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालते चेक करने वाले पे, तो कोशिश करें आप खुद से कोई वेरिएबल ले लें, ठीक है, ज़्यादा बड़ा ना लें, मीनिंगफुल लें, कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, आउटपुट शो करवाई थी, सॉरी इसके बाद हमने प्रोसेस सम को ऐड किया, सम में कैलकुलेट किया था, टू एन की वैल्यू ऐड करते गए थे, 2, 4, 6, ठीक है, और इंक्रीमेंट किया था। आप चाहें तो इंक्रीमेंट वाला स्टेप सेपरेट लिख सकते हैं, या आप इंक्रीमेंट वाला सम के साथ लिखते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस एन, ठीक है, या अगर आप सेपरेट लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, सेपरेट कर लें बेशक, कोई इशू नहीं है। आपने जो इंक्रीमेंट किया था उसके बाद हमने एन इक्वल टू एन प्लस टू इंक्रीमेंट किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, कंडीशन चेक की थी, क्या एन की वैल्यू 100 से ग्रेटर तो नहीं होगी, ठीक है। आप हर पॉइंट पे चेक करोगे, क्योंकि देखें ह्यूमन को तो पता चल जाता है ना कि नहीं अभी 100 तक नहीं पहुँचे, लेकिन कंप्यूटर खुद से सोचने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए हमें बार बार हर तरह से उसे बताना पड़ता है कि आपको चेक करना पड़ेगा, आप चेक करें कि आप पहुँच तो नहीं गए, तो इस तरह कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं करता, खुद से नहीं समझता, ठीक है। तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 100 है, सॉरी लेस दैन, लेस तक हमने जाना है ना, अगर ये कंडीशन येस है, या आप ट्रू भी कह सकते हो, एंड अगर ये नो है, नो होगा तब हम क्या करेंगे, 102 पे हम लोग पहुँच गए, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट से आउटपुट शो करवाएंगे सम, ठीक है, आउटपुट आ जाएगी हमारे पास सम की, सम आउटपुट करवा देंगे और इसे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर दिया, ठीक है। अगर ये येस है कि हाँ वो लेस है, तो हम लोग दोबारा से सम वाले पे कंटिन्यू करेंगे, ये हमारे पास येस आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे लुक चलता जाएगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो या आप इसे फॉल्स भी कह सकते हो, ठीक है, इसे हम ट्रू भी कह सकते हैं कि ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया इस एल्गोरिथम में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट, तो इसके फॉरन हाइट लाइक फार्मूला अप्लाई करके बहुत इजी है वो हम लोग करेंगे, उसके साथ एक और हम लोग टेबल को प्रिंट करने वाला प्रोग्राम देखेंगे कि उसे किस तरह करना है। इसमें कोई क्यूरी तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।